बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कारोबारी औकात महदूद करने से बाजारों में कयामत का रश हो गया। लोग बाजार बंद होने से पहले मार्केटों पर टूट पड़े। चांद रात से एक हफ्ता पहले ही चांद रात का समा हो गया। ईद समेत हर किस्म की शॉपिंग का आज आखिरी रोज है। बाजारों और सड़कों पर बेपनाह रश है। सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए दुकानदारों ने अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। सिंध में सब बंद होगा, जुमे से लॉकडाउन होगा। शहर के शॉपिंग मॉल्स, बाजारों में अब से सन्नाटा होगा। शहर कायद में आज चांद रात से पहले चांद रात का समय रहा। खवातीन ने शॉपिंग में कोई कसर न छोड़ी। दुकानदारों ने महंगाई करके मर्दों की कमर तोड़ी। शहरियों का कहना था लॉकडाउन का फैसला सही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बस बहुत ही ज्यादा रश है, बुरा हाल है पूरा। सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से डबल रश है। ये रश देखने में आ रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि बहुत मतलब पहले की नस्बत ज्यादा रश हो रहा है। महंगाई समझ लो, हर चीज पे जखीरंदोजी करी हुई है। 100 वाली चीज के 200 बोल रहे हैं, 200 वाली चीज के 400 बोल रहे हैं। ट्रैफिक जैम से माहौल में अफरा तफरी मजीद नुमाया हुई। जामा क्लॉथ और लियाकताबाद मार्केट, मिलेनियम मॉल, लकी वन शॉपिंग मॉल, बहादुराबाद, तारिक रोड, सदर, करीमाबाद, हैदरी मार्केट समेत शहर के दीगर बाजारों की सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर रहा।